नमस्कार मेरी प्यारे साथियों, आपका अपने YouTube चैनल इंग्लिश मैथ फिजिक्स स्टडी पॉइंट पर स्वागत है। मैं राम केवल सर आप लोगों को कक्षा 10वीं का मैथ पढ़ा रहा हूं। इसमें हम लोग चैप्टर दूसरा पढ़ रहे हैं, बहुपद। और स्टार्ट करने से पहले मैं बताऊंगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, अभी तक मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। और ये जो बहुपद वाला चैप्टर है, बीजगणित का चैप्टर है, इसमें भाग हैं जो कम्पिटेटिव एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट हैं, अतः ये कम्पिटेटिव एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए भी यूजफुल है, वो भी देख सकते हैं। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसमें दिया है कि बहुपदों पी एक्स, जी एक्स, क्यू एक्स और आर एक्स के ऐसे उदाहरण दीजिए जो विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट करते हों, मतलब घात पी एक्स बराबर घात क्यू एक्स और घात क्यू एक्स बराबर घात आर एक्स और घात आर एक्स बराबर जीरो। तो सबसे पहले पी एक्स जो है वो हमारा भाज्य है, ये हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय में पढ़ चुके हैं, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल के रूप में। और इसमें ये पी एक्स आपका भाज्य है, जी एक्स जो भाजक है और क्यू एक्स जो है भागफल है और ये आर एक्स शेषफल है। मेरे प्यारे साथियों, इसमें ये देखना है कि इसका जो पहला क्वेश्चन है उसको देखते हैं। घात पी एक्स जो भाज्य का घात है पी एक्स बराबर घात क्यू एक्स। अब यहाँ थोड़ा सा आप लोग एक्टिव हो जाइए। अब जैसे भाजक गुणे भागफल, मान लो इसका घात x है और x प्लस वन मान लिया जाए, ये मान है ये जी एक्स और इसको मान लिया जाए x प्लस टू, तो अब इसमें आपस में गुणा करेंगे तो x का घात दो हो जाएगा ना, हो जाएगा बड़े आसानी से। लेकिन अब अगर इसका घात दो हो जाएगा तो इसका घात दो हम नहीं मान सकते, इधर भाज का घात दो आ जाएगा, लेकिन इसका घात नहीं बढ़ना चाहिए। तो ये घात कब नहीं बढ़ेगा, जब भी बीजीय व्यंजक से गुणा होगा तब बढ़ेगा, अगर किसी गिनती से गुणा होगा तो फिर नहीं बढ़ेगा। तो गिनती हम मान लेते हैं जो हमारी जी एक्स है किससे होगा, जी एक्स जो है वो कोई अंक होगा मान लीजिए दो, और क्यू एक्स जो है वो मान लीजिए आप एक्स प्लस तीन, और आर एक्स आप कुछ भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ मान लो वन। अब इसी पर रखेंगे भाज पी, तो पी एक्स निकाल लेंगे, ये तीन निकल आया, पी एक्स चाहिए हमको, तीन निकल आया तो क्या चाहिए, पी एक्स चाहिए। अब पी एक्स बराबर क्या होगा, पी एक्स बराबर क्या होगा, ये जी एक्स, ये देखिए तो जी एक्स की जगह क्या आया टू, और प्लस फिर गुणा क्यू एक्स, एक्स प्लस तीन प्लस शेषफल आ रहा है, तो पी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये दो एक्स हो जाएगा प्लस दो तिहाई छः प्लस वन, तो छः एक सात, तो पी एक्स बराबर क्या हो गया टू एक्स प्लस सात। अब आप चेक कर सकते हैं क्यू एक्स का घात एक और इसका घात भी एक, तो क्या हुआ, ये पहले कंडीशन को संतुष्ट कर रहा है। दूसरा क्वेश्चन है घात क्यू एक्स बराबर घात आर एक्स, मतलब इसमें क्या दिख रहा है आप लोग, क्यू एक्स मतलब भाग, जो क्यू एक्स है आपका, क्यू एक्स आपका भागफल और शेषफल के घात समान होने चाहिए। यहाँ जो आपका भागफल का घात आ रहा है वहीं शेषफल का घात आना चाहिए। तो अब यहाँ ये समझना है कि जो हमारी भाज होगी भाई, जो भागफल आ रहा है उससे हमारी भाज की घात क्या होगी, अधिक होगी, भाज की घात क्या होगी, अधिक होगी। तो हम मान लेते हैं क्यू एक्स बराबर तीन एक्स माइनस टू, और जो हमारी आर एक्स है, आर एक्स बराबर मान लेते हैं एक्स प्लस टू, क्या मान लेंगे एक्स प्लस टू, देखते हैं फ्रेम में आ रहा है, अब ये आर एक्स दोनों के घात समान हो गए, अब हमको क्या चाहिए, इसके घात समान है, अब हम आगे किसी का घात क्या हो उससे कोई मतलब नहीं है, तो हम जी एक्स बराबर मान लेते हैं एक्स माइनस वन। आप क्या निकालेंगे, हमें पी एक्स चाहिए आर एक्स, तो पी एक्स बराबर क्या होगा, पी एक्स बराबर होगा मेरे प्यारे दोस्तों, बड़े ध्यान से देखिएगा, ये जी एक्स, तो जी एक्स हमने एक्स माइनस वन माना, हमारी जो क्यू एक्स है वो क्या है, क्यू एक्स थ्री एक्स माइनस टू, और जो आर एक्स है वो एक्स प्लस टू है। आप क्या करेंगे, x माइनस एक्स से गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा थ्री एक्स स्क्वायर। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, कोई जरूरी है यही मानो, आपका मन जो कहे उसे आप मान सकते हैं। तो ये हो जाएगा थ्री एक्स स्क्वायर, फिर माइनस टू एक्स, और ये माइनस थ्री एक्स, और ये माइनस माइनस प्लस
दो एकम दो प्लस एक्स प्लस टू। अब थ्री एक्स स्क्वायर नहीं है कहीं, ये देखिए तीन दो पाँच एक्स हो जाएगा माइनस, और एक एक्स घट जाएगा तो माइनस चार एक्स प्लस। अब ये देखिए दो और दो चार, तो ये हो गया पी एक्स, पी एक्स जी एक्स आर एक्स और क्यू एक्स निकल आया। तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, तीसरा जो है वो है घात आर एक्स बराबर जीरो, मतलब शेषफल जीरो हो, और जब कोई भी शेषफल जीरो होता है तो क्या होता है, आर एक्स और पी एक्स के घात आपस में क्या होते हैं, जो आपकी जी एक्स है और जो क्यू एक्स है वो गुणनखंड होगा भाज्य का। तो अब शेषफल आर एक्स जीरो है तो हमने जी एक्स बराबर मान लिया, मान लो एक्स प्लस फाइव, और क्यू एक्स बराबर थ्री एक्स प्लस टू मान लेते हैं। अब पी एक्स बराबर क्या होगा, जी एक्स गुड़े क्यू एक्स गुड़े आर एक्स, तो आर एक्स क्या है यहाँ जीरो है ना, तो एक्स अब पी एक्स बराबर क्या होगा, पी एक्स बराबर एक्स प्लस फाइव इंटू थ्री एक्स प्लस टू और शेषफल जीरो। अब गुणा कर लीजिए, पी एक्स का मान भी निकल आया, एक्स से करेंगे तो क्या होगा थ्री एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस एक्स से करेंगे टू एक्स, प्लस पान दिए पंद्रह एक्स प्लस पान उन्नीस दस, शेषफल जीरो है कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पंद्रह दो सत्रह, थ्री एक्स स्क्वायर प्लस सत्रह एक्स प्लस टेन, ये हमारा पी एक्स का मान हो गया। वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट ज़रूर करना मेरे दोस्तों।